नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यदि आप भी चाप खाने के शौकीन हो तो जरा सावधान हो जाइए। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से चाप बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की गई और भारी मात्रा में मैदा चाप बरामद की गई। वल्लभगढ़ में इन दिनों चाप खाने वाले शौकीन लोगों के लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस सोया चाप को प्रोटीन वाली सोया चाप समझकर खाया जा रहा है, असल में वो सोया चाप है ही नहीं, वो मैदे से बनी मैदा चाप आप खा रहे हैं, जो आने वाले समय में आपके शरीर को कहीं ना कहीं बड़ी बीमारियों से ग्रस्त कर सकती है। वल्लभगढ़ के मुजेसर इलाके में फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग की तरफ से ऐसी ही एक सोया चाप बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी की गई, जहाँ से भारी मात्रा में मैदा चाप बरामद की गई है और उसे बनाने के लिए भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ का काम है। फिलहाल सीएम फ्लाइंग ने मौके पर फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम को बुलाकर मैदा चाप के सैंपल को जांच के लिए आगे भेज दिया है और चाप बनाने वाले गोदाम मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले इस गोदाम मालिक के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती है। वल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। सीएम फ्लाइंग से सूचना मिली थी कि मुझे सर एरिया में यहाँ पर चाप बनाने का काम चल रहा है, उसी के आधार पर हम यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर एक मुझे सर इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर एक प्रीमाइसिस मिला है हमें, यहाँ पे जहाँ चाप बनाने का काम चल रहा था तो उसी के हमने सैंपल ले लिए। कितनी चाप जो है, कब आपको जानकारी मिली और किससे आपको शिकायत कैसे मिली थी, ये कब से फैक्ट्री? सीएम फ्लाइंग से सूचना के आधार पर हम यहाँ पर आए। कुछ तो हुआ होगा कि कुछ, इसका अभी कंपनी का कोई भी नाम नहीं है, वैसे बिना किसी नाम के चला रखे थे और अभी इनके पास फूड लाइसेंस भी नहीं है, तो नाम कुछ नहीं है, एक प्रीमाइसिस है बस। इसके अंदर एक चाप बनाने का काम चल रहा था, सीएम फ्लाइंग के हमारे पास वो थे, सूचना थी, उसके जरिए ही हमारे यहाँ। अच्छा, यहाँ क्या नाम है, क्या डेजिनेशन आपकी? देखिए, मैं चार डेल्टा चाहना चाहता हूँ। आज जो है सीएम फ्लाइंग की तरफ से बड़ी कार्रवाई जो है सेक्टर 23 में देखने को मिली है, क्या कार्रवाई है जो की गई आज? देखिए, यहाँ पे सीएम फ्लाइंग की तरफ से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे जो एक चाप बनता है और जो चाप है वो मैदा का बनता है। हालांकि हमने सुना है कि चाप जो सोयाबीन का बनता है और वही सुनते आ रहे थे, लेकिन आज पहली बार देखा है चाप मैदा का बनता है। उसी के उपरांत में अलग अलग विभागों से टीम आई हुई है और जो जिनका अपना अपना काम है वो सभी काम कर रहे हैं, और वो सूचना प्राप्त हुई कि जो यहाँ पर वर्कर हैं, काम करते हैं, उनमें कुछ छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे काम कर रहे हैं उनकी लगभग उम्र 16 साल 15 साल है, जिनको ठेकेदार उनके गांव से एक काम करने के बहाने लेके आया था और यहीं पे 24 घंटे बच्चे रहते हैं, यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे सोते हैं। लगभग कितने बच्चे हैं जो नाबालिग? 3 बच्चे हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी उनके? उनके मालिक के खिलाफ जे एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आज सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि ऑटोपिन का जो एरिया है मुजेसर थाने के एरिया में, वहाँ पे एक स्थान है जहाँ पे फर्जी सोया चाप बनाई जा रही है मैदा से, और लगभग 2 क्विंटल रोजाना वो सप्लाई कर रहे हैं 60 रुपये किलो के हिसाब से, जो कि सोया चाप जो है महंगी मिलती है वैसे। इस आधार पे संबंधित विभाग को लेके वहाँ कार्रवाई की गई, तो उसमें फूड एंड सप्लाई वालों को जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं वो पाए गए जो कमर्शियल यूज़ करते हुए, और उसमें कुछ जो बच्चे वहाँ काम कर रहे थे उसमें से 2 या 3 हैं जो माइनर हैं, तो उसकी कार्रवाई हो रही है। बिजली विभाग वहाँ अपनी जाँच कर रहा है और उसमें फूड सेफ्टी अफसर जो डॉक्टर साहब हैं, फूड सेफ्टी अफसर जो हैं वो उन्होंने वहाँ सैंपल्स लिए हैं, तो इस तरह से ये सारी कार्रवाई वहाँ पे चल रही है। और लगभग 2 या 3 क्विंटल के करीब तो जो रॉ मटेरियल जो बन रही थी और कुछ बनी हुई वो मिली हैं, और कुछ 5-6 क्विंटल मैदा जिन पे ऊपर लिखा हुआ है वो कट्टे बरामद हुए हैं, जिसमें 50 किलो के करीब एक में वो मटेरियल है जिससे ये बनाते हैं और बहुत अनहाइजीनिक तरीके से बनाते हैं। तो ये एक मैसेज है कि हम खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा सावधानी बरतें, खरीदते टाइम देख लें कितनी ओरिजिनल है। थैंक यू। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।